Hello everyone, this is a continuation video on index number. Let's start with a new topic, that is chain based index number. चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर। देखिए, पहले हमें समझना पड़ेगा लाइक कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं एंड इसका हम यूज़ कहाँ करेंगे। सो चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर दैट मीन्स सपोज एज यू नो अबाउट द कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली दिस इज अ टेक्निक दैट यूज टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन रेट, राइट? दैट मीन्स अल्टीमेटली द हाउ मच कंज्यूमर इज गोइंग टू पे फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात नहीं होती, मीन्स कंज्यूमर की जो मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए मेनली जी मान लीजिए फूड हो गया, राइट, क्लोथिंग हो गई या कोई नेसेसरी गुड्स हो गई, ठीक है, उसका एक कॉम्बिनेशन एक बास्केट है, ठीक है। तो उसको हम एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की तरफ से देखते हैं कि अगर कंज्यूमर इसकी जो कितना वो पे कर रहा है आज के टाइम पे, तो वो मेजर करते हैं थ्रू दी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ताकि हमें पता लगे कि एज पर दिस करंटली इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, क्या इन्फ्लेशन रेट कम हुआ या ज़्यादा हुआ या बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उसकी तरफ से देखते हैं, राइट। बट जब भी हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जब भी मेजर करते हैं, गवर्नमेंट जब भी मेजर करती है, तो इसका जो एक बेस ईयर लेके चलती है। अब मान लो अगर मैं ये बोलूँ कि मान लीजिए गवर्नमेंट ये कंपेयर कर रही है कि सपोज सिंस 1947 दैट मीन्स सिंस द इंडिपेंडेंस ईयर से कंपेयर करें कब से 2021, ये तो काफ़ी डिफरेंस हो गया, 74 ईयर्स का डिफरेंस हो गया, राइट। तो ये कंपेयर करना सही नहीं है, क्यों? बिकॉज ओवर अ पीरियड टाइम देर आर सो मैनी थिंग्स दैट हैव बीन चेंज, लाइक यू कैन से लाइक देर आर सो मैनी थिंग्स दैट हैव बीन डिलीटेड। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑब्सोलीट हो गए, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, तो यहाँ पर लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स टाइम के हिसाब से चेंज होती है, ठीक है। तो अगर आप जैसे मैं एग्जांपल लूँ, सपोज फॉर एग्जांपल इंटरनेट, ठीक है, मींस अगर हम आज से लाइक इफ वी सी अबाउट 30 इयर्स एगो, सो इंटरनेट के बारे में इतना कोई लोग इतना नहीं जानते थे, ठीक है, और लोगों को पता भी था कि नहीं पता था कि 30 साल पहले इंटरनेट के बिना ऐसा कुछ नहीं, सारे काम होते थे, ठीक है। बट अगर हम आज के टाइम में बात करें तो इंटरनेट देखिए सबसे ज़्यादा मोस्ट यूजफुल थिंग होगी, अब तो लाइक इसके बिना कोई काम हो ही नहीं पाता, ठीक है। देर आर सो मैनी थिंग्स दैट आर लिंक्ड टू इंटरनेट, राइट। सो अब ये भी एक कंज्यूमर के देखा जाए तो एक नीडी नीड थिंग में आ गया, ठीक है, तो पहले ही था नहीं बट अब आ गया, तो ये ओवर अ पीरियड टाइम चेंजेस आते जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, हमें बेस ईयर जो वो चेंज करना पड़ता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, बिकॉज कुछ थिंग्स ऐड हो जाती हैं एंड कुछ थिंग्स जो है वो डिलीट हो जाती है। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू अप्लाई दैट से चेन बेस इंडेक्स नंबर। दैट मीन्स इन दिस केस वी आर गोइंग टू चेंज द बेस, दैट मीन्स बेस ईयर को कैसे चेंज करते हैं या इसको कैसे लिंक कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम चेन बेस इंडेक्स नंबर, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टेप्स, दैट मीन्स व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन वाइल कंप्यूटिंग और वाइल कंस्ट्रक्टिंग द चेन बेस इंडेक्स नंबर। द फर्स्ट स्टेप इज दैट इज टू कैलकुलेट द लिंक रिलेटिव, कैलकुलेट लिंक रिलेटिव। क्या होता है लिंक रिलेटिव? सिंपल है, क्या करना है आपको, करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर्स प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अभी फॉर्मूला तो क्या, आप बोलोगे सर अगर ये लिंक रिलेटिव है तो फिर प्राइस रिलेटिव क्या होता है? देखिए, प्राइस रिलेटिव इज ऑलमोस्ट इक्वल टू लिंक रिलेटिव, माइनर डिफरेंस है वो मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा। देखिए, लिंक रिलेटिव जैसे मैंने आप लिखा है द करंट ईयर प्राइस एंड द प्रीवियस ईयर प्राइस, ये प्राइस है क्या आपका बेसिकली? ये प्राइस बेसिकली आपका कौन सा प्राइस है, ये एक्चुअली प्राइस रिलेटिव है। कौन सा प्राइस आपका, ये प्राइस रिलेटिव है,
इसलिए मैंने बोला कि प्राइस रिलेटिव इज बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम दी लिंक रिलेटिव। दैट मीन्स अगर आपको प्राइस रिलेटिव गिवन होगा तो ही आप जो लिंक रिलेटिव निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। ठीक है, या तो आपको मान लीजिए प्राइस, मान लीजिए डेटा गिवन आपको प्राइस का, ठीक है, तो फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट द प्राइस रिलेटिव, देन यू मे गो फॉर द लिंक रिलेटिव। ठीक है, देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द चेन बेस्ड इंडेक्स, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ दैट इज CBI। ठीक है, तो कैसे कहते हैं, मीन्स ऑफ फॉर एनी ईयर। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे हम, दैट इज लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, आपको पता है लिंक रिलेटिव कैसे निकालते हैं, ऊपर में फॉर्म पढ़ लिया, मल्टीप्लाइड बाय चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100, दैट्स इट। सो अगर हम देखें लाइक इन शॉर्ट वी कैन से दैट वी नीड टू कैलकुलेट द फर्स्ट, वी नीड टू कैलकुलेट द लिंक रिलेटिव एंड देन सेकेंड वन वी नीड टू कैलकुलेट दी चेन बेस इंडेक्स फॉर एन ईयर। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं ताकि आपको इसकी बेटर अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। सो ऑन द बेस ऑफ दिस लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर यूजिंग 2015 एज बेस, राइट, एंड देन चेन बेस मेथड। देखिए फर्स्ट वाला तो आपने किया हुआ है, हमें मेनली सेकेंड वाला करना है, बट मैं आपको इस क्वेश्चन को मैं पूरा करूँगा ताकि आपको डिफरेंस समझ आ रहा है कि करना कैसे है। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है, आपको ईयर गिवन है फ्रॉम 2015 टू 2020, प्राइस गिवन आपको फॉर डिफरेंट ईयर्स। देखिए कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 10, आपको गिवन है ईयर, प्राइस, ईयर आपको गिवन है सिंस 2015 से, 16, 17, 18, 19 एंड 20। प्राइस आल्सो गिवन 200, 240, 215, 216, 280 एंड 300, राइट। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन देखें फर्स्ट क्या था, हुआ हमें यहाँ बोलते हैं कि 2015 को बेस लेना है, दैट मीन्स हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, फिक्स्ड बेस इंडेक्स, यानी कि बेस हमारा जो है वो फिक्स है, 2015 ही लेके चलना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर मैं हेडिंग ले लेता हूँ फिक्स्ड बेस इंडेक्सेस, फिक्स्ड बेस इंडेक्सेस, एंड यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ दैट इन दिस वी आर टेकिंग 2015 इक्वल्स टू 100, दैट इज बेस ईयर ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम, फर्स्ट का तो 100 ही होगा, सेकेंड वन का क्या होगा, देखिए 214 डिवाइड बाय 200, 200 क्यों होगा, 2 बिकॉज 2015 बेस ईयर है, दैट इज इक्वल्स टू 120। नेक्स्ट 250 डिवाइड बाय अगेन 200 बिकॉज फिक्स है हमारा, बार बेस हमारा फिक्स है 125, 260 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 100 130, 280 इजी है काफी, 150। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, दैट मीन्स जहाँ पर आपका इंडेक्स इंडेक्स जो है वो बेस ईयर को फिक्स कर दिया, राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए हमें सेकंड पार्ट क्या है, दैट इज चेन बेस्ड मेथड। अब चेन बेस्ड मेथड निकालना है, इसके लिए मैं आप दो स्टेप बताया था, वो क्या निकालना है, फर्स्ट मेथड इज, फर्स्ट स्टेप इज दैट इज टू कैलकुलेट द लिंक रिलेटिव एंड देन गो फॉर चेन बेस इंडेक्स फॉर एनी ईयर। ठीक है, तो एक काम करते हैं इसी को हम इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं। तो पहले हम निकालेंगे लिंक रिलेटिव, एंड देन वी विल गो फॉर चेन बेस इंडेक्स, राइट। तो देखिए लिंक रिलेटिव, देखिए मैंने आपको क्या बताया था लिंक रिलेटिव कैसे निकालते हैं, लिंक रिलेटिव देखिए क्या निकालने वाले, करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस। तो वही सेम देखिए,
फर्स्ट का तो 100 ही होगा, सेकेंड का क्या होगा देखिए, 240 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल्स टू 120, देन करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल्स टू 104.167, देन 260 डिवाइड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल्स टू 104, 280 डिवाइड बाय 260 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल्स टू 107.692, देन 300 डिवाइडेड बाय 280 मल्टीप्लाइड बाय 100 107.14, राइट। सो दिस वाज दैट इज लिंक रिटर्न वॉल्यूम। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम चेन बेस इंडेक्स कैसे निकालें हर साल का। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर कुछ है नहीं तो वो तो 100 ही रहेगा, 100 ही रहेगा। बट देखिए कैसे करेंगे, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर कितना है देखिए यहाँ पर, 120 मल्टीप्लाई बाय चेन बेस इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर दैट इज 100 डिवाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 120। नेक्स्ट लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर दैट इज 104.167 मल्टीप्लाइड बाय प्रीवियस ईयर चेन बेस इंडेक्स दैट इज 120 डिवाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 125, देन 104 मल्टीप्लाइड बाय 125 डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 130, देन 107.692 मल्टीप्लाइड बाय 130 डिवाइड बाय 100 150, लास्ट 107.14 मल्टीप्लाइड बाय 140 डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 150। दैट्स इट, और कुछ करना ही नहीं आपको। ठीक है, सो दिस इज द होल क्वेश्चन ऑन चेन बेस इंडेक्सेस, राइट। चलिए नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइसेस ऑफ थ्री ग्रुप्स ऑफ कमोडिटीज फॉर द ईयर 2016 टू 2020 फाइंड चेन बेस इंडेक्स नंबर चेन टू 2015। ठीक है, एंड देन फेस फिक्स बेस इंडेक्स नंबर विद 2015 बेस। लेकिन जैसे प्रीवियस ईयर किया था वही था, प्रीवियस ईयर में हमसे पहले क्या पूछा था, फिक्स बेस इंडेक्स और फिर चेन इंडेक्स, यहाँ पर वही बात हुई है। बट यहाँ पर क्या है, आपको ग्रुप्स वाइज है, जैसे मान लीजिए कभी कॉमोडिटी वाइज देते हैं, ग्रुप वाइज भी देते हैं, तो कभी आपको कन्फ्यूजन होती है कि कैसे निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 मोरले सेम है, मैं 11 करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 जो हमको किलो होगा तो मैं 11 करा देता हूँ। तो पहले देखिए हमें क्या ने पूछा हमसे, चेन इंडेक्स नंबर बेस ईयर क्या होगा 15, राइट। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले कंप्यूटेशन ऑफ चेन बेस इंडेक्स नंबर, चेन बेस इंडेक्स नंबर, राइट। हमें ग्रुप वाइज गिवन है, तो देखिए हम निकाल रहे हैं कम चेन बेस इंडेक्स नंबर। तो इसमें देखिए फर्स्ट स्टेप क्या था, क्या होता है, दैट इज टू कैलकुलेट दी लिंक रिलेटिव, राइट। सो हमें डिफरेंट ग्रुप्स गिवन है 1, 2, 3। तो पहले हम निकालेंगे लिंक रिलेटिव, इसलिए मैंने यहाँ पर ऊपर हेडिंग दे दी लिंक रिलेटिव। क्या करेंगे, ग्रुप वाइज हम करेंगे टोटल कर देंगे लिंक रिलेटिव का, उसका एवरेज लेंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट दी चेन इंडेक्स, राइट। तो देखिए लिंक रिलेटिव निकालना है हमें, लिंक रिलेटिव का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज दी करंट ईयर प्राइस प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस इनटू में 100, राइट। तो देखिए आपके पास तो क्वेश्चन है,
देखिए अगर आप निकालते हो तो इसको तो कि सबका तो 100 ही आएगा बेस, राइट। तो देखिए इसमें क्या होगा फिर आपका, 6 डिवाइड बाई 4 इंटू 100, 8 डिवाइड बाई 6 इंटू 100, 8 10 डिवाइड बाई 8 इंटू 100, 12 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, ये एक ग्रुप का हो जाएगा। सिमिलरली फॉर ऑल द ग्रुप्स ऐसे ही करेंगे हम, ठीक है। देखिए इसका कैसे करेंगे हम, 6 बाई 4 इंटू 100 इक्वल टू 150, देन 20 डिवाइड बाई 16 इंटू 100 इक्वल टू 125, 10 बाई 8 इंटू 100 इक्वल टू 125, इस तरह करेंगे। देन 8 बाई 6 इंटू 100 इक्वल टू 133.33, 24 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 इक्वल टू 120, 16 बाई 10 इंटू 100 इक्वल्स टू 116। सिमिलरली आप देखिए बाकी सब कर लेना, 125 125 125 120 120 120। अब क्या करना है आपको, इन सब का टोटल करना है आपको, 300 400 413.33, 375, 360। एवरेज निकालना है आपको, 100 133.33 137.78 125 एंड 120, राइट। लास्ट में देखना चेंज इंडेक्स, चेंज इंडेक्स को हमें बताऊंगा करंट ईयर, करंट ईयर से लिंक रिलेटिव मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस ईयर चेंज इंडेक्स डिवाइड बाय 100। आपको तो पता है इसका तो हमेशा पे 100 आएगा। और देखिए लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर कैसे निकालना है, 130 लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस ईयर चेंज इंडेक्स 100 डिवाइड बाय 100 सेम आ जाएगा, दैट इज 133.33, ठीक है। सिमिलरली देखिए इसका करोगे तो इसका आ जाएगा आपका 183.70, 229.63, 275.56, राइट। दैट्स इट, दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग द चेन बेस इंडेक्स नंबर, ठीक है। अब देखिए जब आप वो करोगे फिक्स बेस इंडेक्स नंबर कैसे करोगे, देखिए सेम वही आ जाएगा। क्या करना है आपको, 60 सॉरी ये 16 होगा ना, 15 सॉरी ये 16 होगा, ठीक है। बेस ईयर क्या होगा, 16। तो क्या करना, देखिए मैंने आपको जैसे 2017 में क्या लिखा है, 6 बाई 4, ठीक है, 20 बाई 16, 8 बाई 10। देखिए यहाँ पर तो आपको ग्रुप वन में डिवाइड बाई 4 ही करना सबसे, इसको डिवाइड बाई 16 ही करना सबसे, इसको डिवाइड बाई 8 करना है, ठीक है। टोटल कर लेना जो भी टोटल आएगा उसको एवरेज ही करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना होगा, राइट। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 11, सो क्वेश्चन नंबर 12 इज फॉर होमवर्क। नाउ मूविंग टू आर नेक्स्ट टॉपिक, आर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग, देखिए स्प्लाइसिंग में होता है जैसे देखिए आप ये क्वेश्चन ये देख लीजिए डायरेक्ट, इट इज क्वेश्चन नंबर 13। वी हैव टू सीरीज, देखिए जैसे सीरीज ए थी, देखिए 90 100 120 130, सीरीज ए के यहाँ पर क्या आपकी ओल्ड सीरीज है और सीरीज बी की आपकी न्यू सीरीज है। तो यहाँ पर क्या, जब सीरीज ए चल रही थी तो यहाँ पर 2014 में आकर डिसकंटिन्यू हो गई, क्यों होगी, क्योंकि उसके बाद से जो बेस ईयर चेंज हो गया, ठीक है, उसके बाद से बेस ईयर चेंज हो गया, तो फिर अब ये न्यू सीरीज आ गई। तो स्प्लाइसिंग में क्या होता है कि अगर हमें सीरीज को कंटिन्यू करना हो, देखिए यहाँ पर क्या होगा, डिसकंटिन्यू होगा, क्यों, क्योंकि अब नए तरीके से जो है अब जो है इंडिसेस निकाले,
बट अगर मान लीजिए अगर हमें ये सीरीज कंटिन्यू करनी हो तो फिर हमें जो है स्लाइसिंग मेथड जो है वो टेक्निक यूज करनी होगी। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ तक 150 हो गया था, अब हमें पता करना है कि आगे इसकी फिगर्स क्या होगी, तो हमें इसकी बेसिस में करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स वेन वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस सीरीज ए विद द हेल्प ऑफ सीरीज बी, दैट इज कॉल्ड दी बैकवर्ड सीरीज, सॉरी यस बैकवर्ड सीरीज, एंड देन वेन वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस सीरीज बी विद द हेल्प ऑफ सीरीज ए, दैट इज कॉल्ड दी फॉरवर्ड सीरीज। ठीक है, तो इस तरह से करना है, बहुत ध्यान से करना है, मतलब वैसे तो बहुत ईजी है बट आपको ये समझना पड़ेगा इसका बेसिक। ठीक है, मतलब कैसे उसको हम कंटिन्यू करना हो, आपको बेस आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं इसको, तो देखिए आपको ये किस तरह से करना है। ईयर्स भी आपको 2011 से लेकर 19 तक सीरीज ए एंड सीरीज बी गिवन है। तो पहले हम देखेंगे, देखते फॉरवर्ड स्लाइसिंग, फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स सीरीज बी स्प्लाइज्ड टू सीरीज ए, राइट। तो देखिए सीरीज ए को हमें कंप्लीट करना है, तो देखिए किस तरीके से करना है। पहले सीरीज ए की वैल्यू लिखें, जहाँ तक आपको गिवन है 90, 100, 120 एंड 150। ठीक है, इसके बाद से डिसकंटिन्यू हो गया था। ठीक है, तो करना कैसे अब आपको, देखिए देखिए अब आपको करना क्या, आपको फॉरवर्ड में लेके जाना है। ठीक है, यानी कि अब ये जितनी भी आपको सीरीज गिवन है, ठीक है, अब ये इस वैल्यू के अकॉर्डिंग निकलेगी, बिकॉज अब तो यहाँ यहाँ का आगे डिसकंटिन्यू हो गया था, इसलिए कैसे निकालेंगे, देखिए 150 डिवाइडेड बाय 100, 150 से निकालना है आपको बेस, आपको ये गिवन है, और कौन सी वैल्यू से निकालना है आपको, इस ईयर का निकालना है, तो 100 बाय 10, अगेन 150 ये सेम ही होगा मल्टीप्लाइड बाय 100, 150 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 115, इजी है ये, इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग। 165, 118, 225, 214, 247.5, राइट। अब ऐसे ही आपको जो है अगर सीरीज बी कंप्लीट करनी हो तो टेक्निक आपको बैकवर्ड स्प्लाइसिंग करना है। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, पहले आप क्या करो, नीचे जो भी फिगर्स गिवन है उसको आप एज इट इज कॉपी कर दो, 100, 110, 120, 115, 160, 165। अब क्या करना है आपको, देखिए अब रिवर्स में जाना है, यानी कि अब आपको क्या करना है, बेस ये लेके चलना है एंड करंट ईयर ये लेके चलना है। ठीक है, सो दैट मीन्स 100 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 19 इक्वल्स टू 60, 100 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 100 66.6, 100 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 120 इक्वल्स टू 80, दैट्स इट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है, इसका मैं आपको एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ ये वाला, बिकॉज देखिए सब क्वेश्चन में वही सेम है, बस फिगर से चेंज होनी है, तो इसका मैं इसलिए आपको एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, राइट। सो क्लास दिस वी हैव फिनिश्ड दिस कंसेप्ट ऑल्सो, नाउ वी हैव लेफ्ट ओनली विद द वन कंसेप्ट, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो उसके मेरे को काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कराने हैं, सो इट्स बेटर टू क्लियर दोज कंसेप्ट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, ऑलराइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू।